व्यापक परिवार हो जो अपना, उसमें सबसे जाकर उनकी शुभकामनाएं लेते हैं और जो कुछ किया गया है उसके लिए भविष्य में और अधिक तेजी के साथ, शक्ति के साथ काम कर सकें, इसके लिए उनकी शुभकामनाएं लेते हैं। तो उसी दृष्टि से प्रधानमंत्री जी और अध्यक्ष जी आए थे, दोनों ने बहुत अच्छा काम किया और एक करिश्माती जीत हासिल की है। हम लोगों ने पार्टी बनाई थी जी, बीज लगाया था, उसमें एक अच्छा पेड़ भी पैदा किया था। अब ये फलदायी पेड़ इन्होंने यहाँ तक पहुँचाया है जो लोगों को फल देगा, और हमने यही कहा कि अब इसके फल सारे देश को अच्छे से अच्छे स्वादिष्ट दिलवाना, ये भी जिम्मेदारी आपकी बढ़ गई है। जोशी सर, जोशी सर, कोई चर्चा हुई है जी अगली सरकार किस तरह से? नहीं, वो तो आज का विषय नहीं था जी, जी। और ये उसके लिए समय भी नहीं था जी। सर, कल प्रधानमंत्री जोशी सर, आप देखो वो पहले कुछ कर पहले जोशी सर, आप सर वेटरन लीडर हैं सर, जिस तरीके से बीजेपी को एनडीए को मैंडेट मिला है, क्या लगता था सर इतना, जिस तरह से चुनाव चल रहा था, वार प्रतिवाद चल रहा था, लगता था इतना मैंडेट आएगा सर? आपने क्या सोचा सर? देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट थी कि देश को सामने एक मजबूत सरकार बनाने का, दृढ़ सरकार बनाने का एक की आवश्यकता सारा देश महसूस करता है। तो उसके लिए सिवाय भारतीय जनता पार्टी पार्टी के नाते और नरेंद्र भाई एक नेता के नाते कोई दूसरा विकल्प नहीं था जी। और विपक्ष कोई अपनी कहानी, मनभावनी कहानी सुना नहीं पाया। जोशी सर, आप सक्रिय राजनीति में आपकी क्या भूमिका रहेगी पार्टी में, या किस तरीके से आप क्या करेंगे? देखिए, मैं क्या करूंगा, मैं तो जो करता रहा हूं आज तक वही करता रहूंगा। बाकी पार्टी क्या करना चाहती है वो तो पार्टी के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री जी। व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? आई हैव माय ओनली वन एक्सपेक्टेशन दैट द पार्टी शुड डिलीवर एज बेस्ट एज पॉसिबल प्रधानमंत्री, एंड वट एवर कॉन्ट्रीब्यूशन एनी पार्टी वर्कर कैन मेक टू मेक द डिलीवरी इफेक्टिव एंड लॉन्ग लास्टिंग, दैट शुड बी मेड। सर, प्रधानमंत्री ने करीबन 15 मिनट के आसपास का वक्त गुजारा है, क्या क्या चर्चा हुई? क्या प्रधानमंत्री मेरे यहाँ महीनों रहे भी हैं भाई, 15 मिनट तो कम है। नहीं, अभी चलिए, थैंक यू।